हमारे अर्धसैनिक बलों को भी हाईटेक हथियारों और हाईटेक उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि ऑपरेशन के दौरान जवानों को कोई नुकसान न पहुंचे। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक ऐसे ही खास व्हीकल का इस्तेमाल सीआरपीएफ ने किया, जिसे सीएसआरवी यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है, और साथ ही बुलेट प्रूफ जेसीबी का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जो कि घाटी में आतंक विरोधी अभियान में बेहद मददगार साबित हुआ है। पुलवामा एनकाउंटर में आतंकी को मौत के घाट उतारने वाला ये वही आर्म इंटरवेंशन व्हीकल है जो सुरक्षा बलों का नया सुरक्षा कवच बन गया और आतंकियों का काल। इसे क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी सीएसआरवी भी कहते हैं और ये ऑल ट्रेन बुलेट प्रूफ है। 2 दिन पहले पुलवामा के अवंतीपोरा में एक आतंकी मकान की ऊपरी मंजिल में छिपा था। मकान में छिपे होने की वजह से उस पर सटीक निशाना लगाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आतंकी के खात्मे के लिए सीआरपीएफ ने सीएसआरवी और बुलेट प्रूफ जेसीबी मंगवाई और फिर इन दोनों बुलेट प्रूफ वाहनों की मदद से रूम में छिपे आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने सीएसआरवी और जेसीबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंक विरोधी अभियानों में ये दोनों बुलेट प्रूफ व्हीकल काफी कारगर साबित हो रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जहां दुर्गम इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आतंकी कई बार बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन वाहनों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अब आतंकियों का बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। 180 डिग्री का प्रोटेक्शन रहता है। हमारे जवान अगर सीधे मूवमेंट करेंगे तो उनमें बुलेट लगने का खतरा रहता है। इसमें बैठकर हम किसी भी घर में छुपे हुए दुश्मन को इसको उठाकर ऊंचाई पर जाके खिड़की से या दरवाजे से एंट्री करके उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि लेवल 4 का इसका मेटल है जो कि एपीआई राउंड को अपने अंदर नहीं घुसने देता है और वाइजर लगे हुए हैं उसमें, देखकर जो हॉल्स हैं उसमें गन निकाल के आराम से फायर कर सकते हैं। सेना के दोनों वाहन पूरी तरह से हाईटेक है। आतंकरोधी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी समझिए। वाहन में एक क्रेन जैसा सिस्टम है, इसमें एक बुलेट प्रूफ बंकर हवा में काफी ऊपर तक उठता है जिससे किसी इमारत में छिपी आतंकी को निशाना बनाना आसान हो जाता है। इस आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल में 3 से 4 जवान आसानी से ऑपरेशन स्थल तक पहुंच सकते हैं। इसमें टैंक की तरह बेल्ट है जिसमें टायर पंचर का भी कोई चांस नहीं, साथ ही जवानों की सुरक्षा भी काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है। ये व्हीकल बुलेट प्रूफ है और उन्नत हथियारों से लैस है। ये संकरे रास्तों से भी गुजर सकते हैं। इसका टर्निंग रेडियस 0 के बराबर है, मतलब अपनी जगह पर ही रोटेट हो सकते हैं। आतंकी किसी ऊंची जगह पर छिपा हो तो उस तक पहुंच बना सकता है। दीवार या बाउंड्री वॉल को तोड़ने में भी काम आता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आर्मर्ड हैं और बुलेट प्रूफ भी हैं। तो कहीं अगर आपको संकरे रास्तों में जाना हो जहां कम जगह हो और एनकाउंटर में अगर टेररिस्ट ऊपर कहीं पोजीशन लिए हुए हैं घर के अंदर छत पे या ऊपर वाले रूम्स में, तो ये जो दोनों हमारी गाड़ियां हैं सीएसआरवी और जेसीबी, इनके लेवल को आप उठा सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत और उसके थ्रू आप एनिमी को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहेंगे उसमें, आपके जवान बुलेट प्रूफ के अंदर मोर्चा लेके उनको एंगेज कर सकते हैं। ये दोनों आर्म व्हीकल पूरी तरह मेड इन इंडिया है। कश्मीर में इस वाहन की टेस्टिंग के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने अपने वाहन दस्ते में शामिल कर लिया और तब से कई आतंकियों का खात्मा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी आतंकी संकरी गलियों में भागे या फिर छतों और घरों में छिपकर सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश करें, इन आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल के सामने आतंकियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।